क्या पापी क्या घमंडी, माँ के दर पर सभी शीश झुकाते हैं। मिलता है चैन तेरे दर पे मैया, झोली भर के तेरे दर से सभी जाते हैं। सुमित चंद सराफ गोल्ड मेडलिस्ट की ओर से नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। ललितपुर नव दुर्गा महोत्सव के शुभारंभ पर नगर के अति व्यस्त मार्केट सराफा बाजार स्थित नवीन प्रतिष्ठान माणिक ज्वेलर्स एवं नारी साड़ी फर्म का शुभारंभ टीकमगढ़ से पधारी ज्योति जैन के मंगलाचरण से हुआ, तो वहीं प्रतिष्ठान का उद्घाटन युवा हृदय सम्राट युवा उद्योगपति गुड्डू राजा ने किया। इसी क्रम में दीप प्रज्वलित पंडित खेमचंद्र शास्त्री के मंत्रोच्चारण के साथ सतीश चंद्र नजा एंड मंत्री जैन समाज पंचायत समिति ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुरेश बडेरा की मंचासीन, मुख्य अतिथि दानवीर समाज सेवा अरविंद जैन सराफ व विशिष्ट अतिथियों में व्यापार मंडल जिला महामंत्री प्रदीप सतवांस, नवल सोनी जिलाध्यक्ष विहीप जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष सवाई सिंह अजीत जैन खजूरिया क्षत्रिय महासभा से मुन्ना सिंह चौहान, सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज सोनी, जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष ज्ञान चंद्र इमलिया, प्रभात सराफ, उदय चंद्र सराफ आदि मंचासीन उपस्थित रहे। सभी का स्वागत सम्मान माणिक ज्वेलर्स नारी साड़ी फर्म के संचालक विशाल सराफ सौरभ सराफ ने शॉल श्रीफल से किया, तो वहीं उद्घाटन करता गुड्डू राजा का सोने की चेन से सम्मान करते हुए माल्यार्पण से किया, तो वहीं सभी अतिथियों व नगर के पत्रकारों का भी सम्मान शॉल श्रीफल से किया गया। इस अवसर पर सभा का संचालन करते हुए पत्रकार रवि चुनगी ने माणिक ज्वेलर्स के संचालक विशाल सराफ सौरभ सराफ के संदर्भ में बताया कि उनके पिता सुमित सराफ, चाचा राजेंद्र सराफ और उनके दादा कीर्तिशेष नगर सेठ माणिक चंद्र सराफ की व्यापारिक कार्यप्रणाली के तौर तरीकों को आज याद किया जाता है। उनके सभी व्यापारिक संस्कार विशाल सराफ में है और वह मूल मंत्र मानकर आज व्यापारिक क्षेत्र में है। इस अवसर पर उद्घाटनकर्ता गुड्डू राजा ने रिबन खोलकर नवीन प्रतिष्ठान का शुभारंभ करवाया और उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि व्यापार एक आर्ट व ऐसी कार्यप्रणाली है जिसमें व्यापारी को हर पल ग्राहकों को संतोषजनक करने में अपने व्यापार का आधार लेना पड़ता है और अपने व्यापार क्षेत्र की सामग्री वस्तु को उचित और बेहतर व्यवहार के माध्यम से विक्रय करना पड़ता है, तभी वह सफल होता है। अन्य वक्ताओं ने अपने अपने आशीष वचन कहते शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पत्रकार सुरेंद्र नारायण शर्मा, रवि चुनगी, अजय बरिया, संजय ताम्रकार, अमर सिंह पाली, सुनील सैनी, अनंत जैन सराफ, नितेश बंटी एवं पार्षद अब्दुल रहमान, अंकुर जैन, सानू बाबा, चेतन कुशवाहा, बल्लू भाईजान, सिद्धेश्वर जमोरिया, उदय चंद्र सराफ, विनोद जैन जी, मनोज जैन इलेक्ट्रॉनिक्स, अभिषेक सराफ, अमित सराफ, माणिक ज्वेलर्स नारी साड़ी का हुआ शुभारंभ। युवा उद्योगपति गुड्डू राजा ने किया उद्घाटन। आज का क्या कैसा कार्यक्रम रहा चाचा जी? हमारा जो बच्चों का जो माणिक ज्वेलर्स एवं नारी साड़ी का जो प्रतिष्ठान का जो भव्य शुभारंभ था, उसमें ललितपुर के जनपद के गणमान्य नागरिक समस्त श्रेष्ठीगण एवं विशिष्ट अतिथिगण और उद्घाटनकर्ता हमारे गुड्डू राजा सहित और समस्त जो हमारे जैन दिगंबर जैन पंचायत के पदाधिकारी पदाधिकारी लोग इन समस्त का एवं स्वर्णकार समाज का, सराफ समाज का और संपूर्ण व्यापारी समाज का और हम जो भी हमारे नागरिक यहाँ के हैं उन सबका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और ये कामना करते हैं कि वह सब यहाँ पर हमारे प्रतिष्ठान पर आएँ और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें। और हमने बच्चों को निर्देश दिया है कि वो नीति न्याय के आधार पर अपना व्यापार करें, यही हमारी कामना है, यही हमारी भावना है, जनपद से यही अपेक्षा है, यही अपेक्षा है सभी लोग इसी तरह से हमारा बच्चों का सहयोग करेंगे। ललितपुर से खबर समय जगत के लिए सुनील सानी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।